इस बार मॉनसून बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली NCR में कभी हल्की बारिश तो कभी उमस देखने को मिल रही है। दिन में धूप और रात को हुई बारिश से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। दिल्ली UP समेत उत्तर भारत के कई जगहों पर गुरुवार को भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली NCR में भी आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके उन लोगों को जो नौकरी पेशे वाले हैं। बात अगर दिल्ली NCR की करें तो दिल्ली NCR में गुरुवार यानी कि 5 सितंबर को अच्छी बारिश देखने को मिली है। शुक्रवार को भी दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 और 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल होने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, महोबा, कुशीनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बरेली और रामपुर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, रामपुर, शामली और संभल में भी बारिश हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, कासगंज, बदायूं और एटा में भी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। आने वाले 4 दिनों तक दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों को बाढ़ और बारिश का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इलाके के हालात बहुत खराब हैं। भारी बारिश की वजह से इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ग्रस्त विजयवाड़ा का दौरा किया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मौसम विभाग की सभी जानकारी पाने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।